छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले राज्य शासन से 34% का लाभ, शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं समान के अनुरूप गृह भाड़ा देने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं समान के अनुरूप गृह भाड़ा दिए जाने से आक्रोश कर्मचारियों ने बुधवार को प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इसे सभी शासकीय दफ्तरों के अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित दुर्ग नगर निगम व भिलाई नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपना समर्थन दिया। गौरतलब है कि केंद्र शासन के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा 2 माह पूर्व 5% महंगाई भत्ता प्रदान किया गया है, परंतु बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन की घोषणा और निर्देश को जायज मानते हुए राज्य शासन को राज्य के समस्त कर्मचारी अधिकारी को 34% महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर सभी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी आवाज बुलंद की और धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मांगों को लेकर आज ये आंदोलन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने। ये आंदोलन का आह्वान इसलिए किया कि हमें मजबूरी वश अपने अधिकारों को मांगना पड़ रहा है। केंद्र शासन ने 34% महंगाई भत्ता निर्धारित करके रखा हुआ है और अभी आने वाले समय में उनके और 5-7% महंगाई भत्ता बढ़ जाएगी, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया और 5% बीच में एक ये बढ़ाकर एक झुंझुना पकड़वा दिया है, जिससे हम सब छत्तीसगढ़ के जितने भी काम शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी सब आज इस उससे पीड़ित हैं। और आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ स्वास्थ्यशासी कर्मचारी संघ नगर निगम दुर्ग उनको समर्थन देने यहाँ आया है। और आज हम लोगों ने, सब लोगों ने, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने नगर निगम हैं, नगर पालिका हैं, आज सब एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ को अपना समर्थन प्रेषित किया है। आज उनकी लड़ाई के साथ हम सब एक साथ खड़े हैं। उनके आह्वान पे अगर वो जैसे जैसे चरणबद्ध उनका आंदोलन चलेगा, उसमें छत्तीसगढ़ स्वास्थ्यशासी कर्मचारी संघ पूरी तरह से सम्मिलित रहेगा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में दुर्ग जिले के लगभग 6,000 से 8,000 कर्मचारी आज आंदोलन पर हैं। पूरे दुर्ग जिले के सारे स्कूल, पंचायत, पटवारी कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर के पूरे तमाम कार्यालय बंद कर दिए हैं। सिर्फ हमारा कर्मचारियों के 2 सूत्री मांग को लेकर के हमने सरकार को 30 जून को माननीय सचिव, मुख्य सचिव के नाम से अभिवादन दिया था। उसके बाद भी सरकार के द्वारा इसमें महंगाई भत्ता को लेकर के कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए आज ये दूसरा चरण का आंदोलन है। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो जुलाई में हमारा तीसरा चरण का जो आंदोलन होगा वो प्रारंभ किया जाएगा। आज हमारे दुर्ग जिले के तमाम कार्यालय पूरे बंद हुए हैं, पूरे सरकारी कामकाज ठप है। नगर निगम भिलाई के भी हमारे जुझारू साथी लोग पूरे टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। भिलाई नगर पालिका निगम भी बंद है। आज दुर्ग जिले का पूरे शासकीय दफ्तर बंद कर दिया गया। हमने छत्तीसगढ़ सरकार से कोई मांग नहीं की, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कोई मांग नहीं की। हम सरकार से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने कर्मचारी अधिकारियों को महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है, जिस तारीख से स्वीकृत हुआ है, 1 जनवरी 1 जुलाई 2 तारीख को स्वीकृत होता है, उसके अनुसार 34% महंगाई भत्ता भी बनता है, 34% महंगाई भत्ता उनको स्वीकृत करना है। इसी मुद्दे को लेकर हमने सरकार से आग्रह किया, हमने कोई मांग नहीं किया, ना नया मांग है ना कोई पुराना मांग। ये बिल्कुल मौलिक अधिकार है कर्मचारी अधिकारियों का, ये हमारे परिवार के बात है, ये हमारे कर्मचारी के व्यक्तिगत सामर्थ्य की बात है, उसके परिवार का सुख खुशहाल होने की बात है, हमने वो किया। दूसरा मुद्दा हमने ये दिया है कि 1/16 से 7वां वेतनमान लागू हो। 1/16 से 7वां वेतनमान लागू होने के बाद भी आज भी राज्य सरकार हमारे कर्मचारी अधिकारियों को 6वें वेतनमान में उसके बेसिक के ऊपर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत कर रहा है। हमारा ये कहना है कि HRA को रिवाइज करना चाहिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार ने IAS अधिकारियों को डेट इसी से HRA महंगाई भत्ता सारा चीज स्वीकृत किया, और तो और इनको एरियाज भी दिया है, कई लाखों में 25-25-30-30 लाख रुपए एक एक IAS को इन लोगों ने एरियाज दिया है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे छोटे कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को तो जिस कर्मचारी अधिकारी के भरोसे राज्य सरकार चल रही है, जिस कर्मचारी अधिकारी भरोसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जगह जगह कह रहे हैं कि हमने ये उपलब्धियां प्राप्त किया है, ये करने वाला कौन है? ये करने वाला हमारा कर्मचारी है।
चाहे नगर निगम का मामला हो, नगर निगम का मामला हो, पूरे नगरीय क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया। चाहे कृषि का क्षेत्र का मामला हो, खेतों में हमारे इनका अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया। काम तो हमारा अधिकारी कर्मचारी कर रहा है। सरकार को अपने अधिकारी कर्मचारियों के अधिकार से अगर वंचित करेगा, अगर हमारे मौलिक अधिकारों से वंचित करेगा, तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सड़क की लड़ाई लड़ेगा। दो मांगे प्रमुख है, एक महंगाई भत्ता और दूसरा सातवें वेतन मान के अनुरूप बढ़ा हुआ गृह भाड़ा भत्ता। तो क्या चाहते हैं आप लोग आगे, किस तरह से? हम तो अभी यही दो मांगे प्रमुख है और यही मांग हमारी पूरी हो जाए। अभी तो हमारी जो मांग है यही है मुख्य रूप से। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।